हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनम श्रेया। और आज मैं शूट कर रही हूँ आप लोगों के साथ में मेरा वट सावित्री का व्लॉग, बिकॉज आज है वट सावित्री। ये वट सावित्री थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज मैं हमेशा वट सावित्री बिहार में मनाती हूँ, बट इस बार मैं अपने मम्मी के साथ अरुणाचल में मनाने जा रही हूँ वट सावित्री। सो लेट अस सी कैसा होने वाला है ये। तो मैं हो गई हूँ तैयार। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ इस बार नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पे ऐसे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग ऐसा सेलिब्रेट नहीं करते हैं, तो बहुत ओवर हो जाएगा देखने में, तो इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। एंड आई होप कि अच्छी लग रही होंगी। चले, मैं हो गई हूँ तैयार, सामान वगैरह सब रेडी कर लिया है, और अब हम जाएंगे मंदिर। फिर मंदिर पहुँच के आप हो गया हमारा वट सावित्री का पूजा, और बहुत ही अच्छा रहा। इवन दो लाइक आप सबको अगर मेरे ब्लॉग देखे होंगे पहले वाला भी, तो मैंने एक और वीडियो शूट किया था होली वाला, जो कि मैं अरुणाचल प्रदेश में मना रही थी, और इस बार वट सावित्री मैंने यहाँ पे मनाया है मम्मी के साथ में। तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था दोनों ही जगह का, बिकॉज ये हमारा बिहार का फेस्टिवल है, वहाँ पर लोग इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मनाते हैं, और यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे जितने भी मतलब कि बिहार के लोग हैं या जो भी हम लोग से रिलेटेड हैं, वही सिर्फ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्राउड था बट उतना ज़्यादा नहीं था, और पूजा भी ठीक ठाक ही हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। और अब घर आके पानी वानी पी चुके हैं सब कुछ, क्योंकि आज के दिन जब तक पूजा नहीं कर लेते तब तक पानी वगैरह भी नहीं पीते हैं। तो अभी सब कुछ हो गया है, पानी वानी पी लिए हैं, और क्या, बस आज के दिन भी हम लोग को बिना नमक का ही बिताना है। कल भी बिना नमक का ही खाए हम लोग, आज भी बिना नमक का ही खाना है, फिर कल जाके नमक खाएंगे। तो यही सब है। सो दैट वॉज इट, इतना सही था ये ब्लॉग। एंड आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड जस्ट स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। बाय।